हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव फॉर्म, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसमें ना ही कुछ निगेटिव बात कर रहे हैं और ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लाइक मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपने पापा से बात कर लिया है, इस तरीके का सेंटेंस जिसमें नॉर्मल आप एक बात बोल रहे हो, नॉर्मल एक स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, कोई निगेटिविटी वाला बात नहीं कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव फॉर्म या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी वी थ्री की जगह पास्ट पार्टिसिपल भी दिया रहता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना, वी थ्री बोलो या फिर पास्ट पार्टिसिपल बोलो। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हैज किसके साथ आएगा और हैव किसके साथ आएगा, तो वो भी हम लोग देखते हैं। ही शी इट और सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हैज आएगा। प्रॉपर नाउन तो आपको पता ही है, जैसे मैंने बोला काउ, काउ क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन क्या हुआ, काउ। लेकिन काउज जो है वो भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिंगुलर प्रॉपर नाउन क्या है, तो वो है हमारा काउ। प्रॉपर नाउन मतलब जिसको आप स्पेसिफिक बोल रहे हो, जैसे आप एनिमल बोले तो ये हो गया कॉमन नाउन, लेकिन जब आप बोल रहे हो काउ तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब मैं बोलूंगी काउज तो प्लूरल प्रॉपर नाउन और काउ तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन। आई होप ये भी समझ में आया होगा। जैसे कि और एग्जाम्पल देती हूँ, कैट, कैट क्या है, हमारा सिंगुलर प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब मैं बोलूंगी कैट्स तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हैज आएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। और आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव आएगा प्लस हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही शी इट और सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हमारा हैज आता है और आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हैव आता है। आई होप ये समझ में आया होगा। I have seen that movie. मैंने वो फिल्म देखी है। I के साथ क्या आएगा? Have आएगा। They के साथ भी हमारा have आएगा। They have bought a new car. उन्होंने एक नई कार खरीदी है या वे लोग एक नई कार खरीदे हैं। My sister क्या है? Proper noun है। कैसा proper noun है? Singular proper noun. Singular proper noun के साथ क्या आएगा? Has आएगा। तो क्या हो गया? My sister has already made a big cake. मेरी sister क्या, मेरी बहन ने पहले ही एक बड़ा केक बना लिया है। अगर सपोज रहता my sisters तो क्या हो जाता, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता, तब क्या होता have. My sisters have already made a big cake. मेरी बहनों ने पहले ही एक बड़ा केक बना लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं scientists, ये भी क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो साइंटिस्ट्स हैव स्प्लिट द एटम, वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर दिया है। अगर सपोज एक साइंटिस्ट रहता तो क्या होता, साइंटिस्ट हैज स्प्लिट द एटम। आई होप ये भी समझ में आया होगा। यू हैव ईटन दीज पिज्जाज, तुमने क्या हुआ, आपने ये पिज्जा खा लिए हैं या तुमने ये पिज्जा खा लिया, खा लिए हो। नेक्स्ट, माय डॉग्स हैव नॉट ईटन एनीथिंग, मेरे कुत्तों ने कुछ नहीं खाया है। अगर वही डॉग रहता, माय डॉग हैज नॉट ईटन एनीथिंग, मेरा कुत्ता कुछ नहीं खाया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉग्स है, तो क्या आएगा, हैव आएगा। अगर वही डॉग होता तो क्या आता, हैज आता। अब देखते हैं नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी हैड आर ब्रेकफास्ट, हमने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी हैड आर ब्रेकफास्ट, तो वी के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। सी हैज रिटन फोर लेटर्स, उसने चार पत्र लिखे हैं, उसने चार पत्र लिखे हैं। अगर ही भी रहता तो हैज आता, अगर आई रहता तो हैव आ जाता। तो उसने चार पत्र लिखे हैं। ही हैज आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। नेक्स्ट, द बेबी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज आएगा। अगर रहता बेबीज
तो क्या हो जाता है, हैव। तो बेबी है यानी सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज आएगा। तो क्या हुआ, द बेबी हैज ब्रोकन द ग्लास, बच्चा ने ग्लास तोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव फॉर्म देखा। प्रेजेंट पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर प्रॉपर नाउन के साथ हैज आता है और आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। इसके साथ ही हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।